अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे और खुशपाश होंगे। तो जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी बेटी की है बर्थडे इस हफ्ते, तो हमने सोचा जी बर्थडे प्रेजेंट के साथ साथ हम लेते हैं अपनी बेटी के लिए कुछ टॉयज। तो जी हमारा सडन प्लान बना, आज ही हम जाएंगे जी चाइना मार्केट रावलपिंडी और वहाँ से परचेज करेंगे अपनी बेटी के लिए कुछ टॉयज। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हम एक शॉप के ऊपर। यहाँ पे बहुत ही सारे टॉयज लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कार्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, कुछ छोटे छोटे से बेबी स्ट्रोलर्स भी हैं। तो हमने सोचा जी उसके काम की चीज ली जाए। यहाँ पे हमने देखा जी बेबी स्कूटर हैं छोटे छोटे से, जो कि वो बहुत इजीली चला सकती है, और साथ ही स्ट्रोलर के हैंडल्स भी हैं जिसकी वजह से हम उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने दो स्ट्रोलर्स पसंद किए, यहाँ पे एक पिंक है और पर्पल। अब देखते हैं जी इनमें से कौन सा हम फाइनल करते हैं और परचेज करते हैं अपनी बेटी के लिए। अच्छा जी, यहाँ से एक टॉय पसंद करने के बाद हमने सोचा जी जाके देखते हैं आगे, क्या पता वहाँ पे हो और कोई मज़े मज़े के टॉयज और वैरायटी। तो ये हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे, और यहाँ पे इतनी सारी स्टेयर्स हैं कि ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग थक गए। और ये देखें जी, ये शॉप है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी के टॉयज मिल जाएंगे। जी इस शॉप के ऊपर हमें नज़र आई बहुत ही सारी स्लाइड्स बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स में, लेकिन आई गेस सुरैन के लिए सारी अभी बहुत बड़ी हैं और अभी उसके ऊपर वो बैठ भी नहीं सकेगी, और बैठेगी तो गिर जाएगी। तो हमने सोचा जी स्लाइड का प्लान करते हैं हम कैंसिल, और जाते हैं हम कुछ छोटे छोटे से टॉयज के ऊपर, जो कि स्ट्रोलर हमने पिछली शॉप पर देखा था, हमें यहाँ पर भी नज़र आया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जी मैंने सोचा कि हम लेते हैं अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा बेबी स्ट्रोलर। ये कार स्ट्रोलर है, और मैंने इसको परचेज़ करने से पहले सोचा कि हुरैन को बिठा के देखा जाए कि वो आइदर इसमें कंफर्टेबल होगी या नहीं, उसमें खुश होगी या नहीं, लेकिन ये मैडम तो बड़े मज़े से इस पर सेट हो गई और सारी शॉप में घूमती फेरी हैं इस स्ट्रोलर के ऊपर ही बैठ के। तो जी हमने पसंद किया है ये स्ट्रोलर अपनी बेटी के लिए, आए इसको परचेज़ करते हैं। इस शॉप के ऊपर इतने प्यारे प्यारे से टैडी बियर्स पड़े हुए थे, बिल्कुल ह्यूमन साइज के, इतने क्यूट लग रहे थे कि अपना दिल इतना ज़्यादा आ रहा था कि इनमें से कोई ना कोई परचेज कर लिए जाए, लेकिन इसको रखे कहाँ बंदा, इनको संभालना इतना मुश्किल है। इसके बाद जी हमारी अम्मी को पसंद आ गई इसी शॉप के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी स्विंग, ये देखिए जी, इसके बाद हमने ये परचेज कर ली। इसके बाद जी हमने फटाफट से अपना जो बेबी स्कूटर परचेज किया था उसको चेक किया खुलवा के कि कोई पीस डैमेज तो नहीं है, उसको थोड़ा सा कंपाइल भी करा लिया क्योंकि घर जाके इसके पार्ट्स को असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी हमारे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं हुरैन के टॉयज के पेमेंट। तो जी हम वेट करते हैं, और इसी वेट के दौरान हमने बिठा दिया अपनी गुगू को उसकी स्विंग के अंदर। ये देखिए जी मैडम कितने मज़े से बैठी हुई हैं, ज़रा जो ये डर रही हैं पहली बार इस झूले के ऊपर बैठने के बावजूद, और मैडम कर रही हैं फुल इन्जॉय। इसके बाद जी हमने अपनी स्विंग को और साथ ही अपनी बेबी स्ट्रॉलर को फटाफट से पैक कराया। ये देखिए जी बादल आ चुके हैं अब तक, लेकिन स्टिल गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा जी रास्ते से पिया जाए मैंगो शेक। तो ये देखें जी, इसके बाद जी हम घर आए तो मुझे याद आया कि अपनी बेबी की बर्थडे के लिए मैंने एक क्राउन डिज़ाइन करना है। मैंने नेट के ऊपर बहुत सारे क्राउन्स देखे थे लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा जी हम अपनी बेटी का जो बर्थडे क्राउन है वो खुद ही डिज़ाइन करेंगे और ख़ुद ही बनाएंगे। तो ये देखे जी मैं ले आई हूँ फोमिक शीट्स, और साथ में है ग्लिटर फोमिक शीट्स, इसके ज़रिए से हम बनाएंगे अपनी बेटी के लिए क्राउन। आए आप भी मेरे साथ मिलकर बनाएं क्राउन और देखें जी कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी फ्लावर्स बनाने के लिए हम लेंगे छोटे छोटे से फोमिक शीट्स के पीसेस, इनको लंबे लंबे स्ट्रैंड में काटेंगे और इसके तीन पोर्शंस बराबर के कर देंगे, और इसको हम एक ब्रेड के अंदर फॉर्मेशन देंगे। ये देखिए जी मैं इसकी एक ब्रेड बना रही हूँ। ये पेपर फोमिक शीट का बहुत ही लाइट है, ये इजीली कहीं भी मुड़ जाता है, टेंड हो जाता है, तो इस वजह से मैं ये वाला स्टफ परचेज करके लेके आई। लेकिन अगर आप ग्लिटर शीट लेंगे तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी बहुत ही प्यारा इफेक्ट देगा। यहाँ पर मैंने सिंपल शीट का इस्तेमाल किया, और ये देखें जी कितना प्यारा सा फ्लावर बन चुका है। अब हम इसको ग्लू के साथ जोड़ेंगे, और ये पूरी की पूरी ब्रेड जो हमने बनाई है इसको फोल्ड करते जाएंगे, तो ये देखें कितना प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। इसी तरीके से जी हम बाकी शीट्स को कट करेंगे छोटे छोटे से पीसेस के अंदर, और उनकी ब्रेड्स बनाते जाएंगे, और फटाफट से बनाएंगे हम बहुत सारे फ्लावर्स।
अब जी हमारे पास पड़ी हुई थी एक स्पेयर हाईलाइटर किट जो कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, वहाँ से मैंने गोल्डन कलर उठाया और अपने जो भी फ्लावर्स बनाए हुए थे उनके ऊपर ग्लिटर इफेक्ट देने के लिए पेस्ट कर दिया। ये देखिए जी फ्लावर्स की लुक कितनी प्यारी हो गई है, कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, पहले सिंपल सिंपल लग रहे थे और अब कितनी ग्लॉसी सी लुक आ रही है इनके ऊपर। ये देखें जी पिंक कलर के फ्लावर्स कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं, पर भी इसी तरीके से हाइलाइटर लगाएंगे वाइट वाले फ्लावर्स पर। ये देखें जी मेरी उंगलियों का क्या हाल हो गया, ग्लिटर लगा लगा के ये भी फुल ग्लिटरी हो गई हैं। अच्छा जी इसके बाद हम लेंगे अपनी ग्लिटर वाली हुई फोमिक शीट्स और इसको कट करेंगे क्राउन शेप के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखें जी हमारा छोटा सा क्राउन तैयार हो गया। इसके बाद मैंने जी वन की रफ सी कटिंग करके एक पेज के ऊपर रखी हुई थी, उसको मैंने सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट के ऊपर रखा और कट किया और साथ ही ये वन का फिगर हमारा तैयार हो गया है। अब ये जितने भी फ्लावर्स हैं मैं ये अपने क्राउन के ऊपर अटैच कर रही हूँ फोमिक शीट से जो हमने बनाया था। ये देखिए जी हमने फ्लावर्स अटैच करने के बाद इसको अच्छी तरीके से दबा दिया और साथ ही ये वन का फिगर हमने इसके ऊपर अटैच किया है और हम देखेंगे मेक श्योर करेंगे कि ये अच्छे तरीके से स्टिक हो गया है। तो जी ये देखिए हमारा क्राउन रफ रफ सा तैयार हो चुका है। अभी मैंने इस क्राउन को फाइनल नहीं जोड़ा है क्योंकि मेरी बेटी अभी सो रही थी और उसका हेड का साइज़ लिए बगैर मैं इसको अभी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो चले जी कल जब मैम हुरैन उठेंगी तो मैं उनके साइज़ पे इसको सेट कर दूंगी क्राउन को और इसको फिर पीछे से पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये देखिए जी फाइनल लुक किस तरीके की तैयार होगी क्राउन की। अभी इसके ऊपर मैं बीट्स ला के लगाऊंगी, इसके कॉर्नर्स बनाऊंगी और एक क्राउन के ऊपर जो फाइनल एक बड़ा सा पर्ल होगा वो भी लगाऊंगी। लेकिन ये काम हम करेंगे कल, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी के लिए जी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ जी कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।